कैमरे लगे होते हैं उसमें वो सारे बंदे रिकॉर्ड हुए हैं और पारस भाई की मदद है। अस्सलामुअलैकुम तो मेरे प्यारे प्यारे पबजी के दोस्तों एंड BGMI के दोस्तों, तो आ चुका हूँ मैं बहुत ही स्पेशल सी एंड प्यारी सी वीडियो के साथ वापस। एंड यार इस वीडियो में हम आज बात करने वाले फारस ऑफिशियल के बारे में एंड न्यू अपडेट देने वाला हूँ कि फारस भाई की जो हेल्थ कंडीशन है वो अब कैसी है एंड यहाँ पर भाई वो अपना मतलब घर वापस चले गया या अभी तक भी मतलब हॉस्पिटल में है, तो कंप्लीट मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड वीडियो में आगे बढ़ने से यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने इस को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख देना क्योंकि यार जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम पे मिल जाएगा। so, मेरे प्यारे दोस्तों अब यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले डाकू विलेन YT के बारे में, जो कि यार काफी सारी उसकी डिटेल निकल के आ चुकी है एंड उसकी यहाँ पे देखिए बैंक रिसिप्ट भी मतलब यहाँ पे निकल के आ चुके जो कि उसने खुद ही अपने यूट्यूब चैनल में शेयर किया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए यूट्यूब के चैनल में उसने वीडियो भी अपलोड की थी एंड कुछ पिक्चर वगैरह भी उसने अपलोड किए थे। तो यहाँ पे देखिए एक्सिस बैंक का जो रिसिप्ट है ना, तो उसने मतलब ये ऊपर भी आप पढ़ भी सकते हो कि उसने क्या लिखा था। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ तो पट्टी ब्रांच है पंजाब में एक्सिस बैंक का, तो यहाँ पे देखिए आप मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तो मतलब पूरा डिटेल उसकी मिल जाएगी बहुत ही जल्द। तो मैं आपको वॉइस प्ले करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रिसिप्ट पे ध्यान से देखो, इस पे ना ब्रांच पट्टी लिखा हुआ है और जो पट्टी ब्रांच है ना वो भाई पंजाब में है, तो उसकी कंफर्मेशन ले रहे हैं कि ये पंजाब के ही पट्टी ब्रांच के आसपास ही ATM में डिपॉजिट करवाए गए हैं का नहीं, क्योंकि जो डाकू विलेन गुजरात का है वो बोल रहा है कि मेरे को पंजाब का कोई बंदा नहीं जानता, और जिस पे पारस ने हमला करवाया वो अमृतसर से बोल रहा था और ये जो पट्टी है वो भी अमृतसर के। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर अब देखिए आपने मतलब वॉइस भी सुन लिया एंड भाई जो बैंक का उसका मतलब जो डिटेल भी निकल के आ चुके हैं, रिवील हो चुके हैं, तो वो भी आप लोगों ने देख लिया। तो चलो गाइस अब यहाँ पर अब देखिए हम बात करेंगे फारस ऑफिशियल के बारे में कि भाई जो फारस है ना वो अभी कहाँ पर है, घर में है या मतलब हॉस्पिटल में है, उसकी हेल्थ कंडीशन अब कैसी है, तो चलो यार उसका भी डिटेल मैं आपको दे देता हूँ। सो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर अब देखिए फारस की पहले मतलब कुछ देर पहले उसने ये वाली वीडियो शेयर किया था, तो इस वीडियो को आप वाजे तौर पर देख सकते हो कि फारस भाई की जो हेल्थ कंडीशन है ना वो मतलब अभी पहले से बहुत ही बेटर होती जा रही है। फिलहाल वो अभी हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल से घर वापस से नहीं आया एंड उसके कुछ ऑपरेशन भी फाइनली हो चुके जो कि यार अभी मतलब बिल्कुल फिट है, जो कि उसके जो पहले हालात है ना उससे मतलब कई गुना मतलब वो अच्छा है। ठीक है, एंड उसकी हेल्थ कंडीशन में थोड़ा टाइम लगेगा, इतना जल्दी तो मतलब ठीक नहीं होगा, तो उसने कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह भी शेयर किए थे, तो चलो यार वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एंड इस वीडियो में आप लोगों ने देख लिया कि भाई फारस भाई के पास मतलब यहाँ पे मतलब डॉक्टर वगैरह आए हैं। सो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर अब देखिए फारस भाई ने अपने यूट्यूब में कम्युनिटी में एक पिक्चर डाला था, ऑपरेशन हो गया जल्दी आप सबके प्यार से ठीक हो जाऊँगा। ठीक है, तो ये एक दिन पहले उसने ये वाला पिक्चर डाला था जो कि उसने अपने यूट्यूब चैनल कम्युनिटी टैब में ये पिक्चर को डाला था। ठीक है, एंड अभी रिसेंटली उसने एक पिक्चर डाला जो कि यार आप सब लोगों के लिए एक मतलब सरप्राइज होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ठीक हो, बस प्यार की चाहिए आप सबका। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें मतलब जो फारस भाई है ना उसकी तबीयत जो है ना काफ़ी बेटर है, पहले से मतलब बहुत ही बेटर है, ऑपरेशन वगैरह सब कुछ हो चुके हैं उसके एंड उसकी जो हेल्थ कंडीशन है वो अब धीरे धीरे ठीक होती जाएगी। ठीक है, तो उसने खुद ही यहाँ पर पिक्चर डाला था कम्युनिटी टैब में कि भाई अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आप लोगों का प्यार की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मतलब आप लोग सब वेस्ट कर देना क्योंकि फारस भाई की 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी फाइनली कंप्लीट हो चुकी है, तो मैंने कंग्रेचुलेशन फारस भाई आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर के लिए। सो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर अब देखिए सुपर खालसा की तरफ से यहाँ पे कुछ न्यू अपडेट भी निकल के आ चुके हैं जो कि यार बिल्कुल फ्रेश है, तो चलो यार उसकी बातें भी मैं आपको सुना देता हूँ। एक गुड न्यूज शेयर करनी है आपके साथ और एक थोड़ी सी छोटी सी बैड न्यूज भी है, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं है क्योंकि सुपर खालसा उसको सॉल्व करवा के रहेगा। और अभी अभी थोड़ी देर पहले पारस की मदर से मेरी बात हुई है क्योंकि पारस भाई की अभी अभी जो सर्जरी हुआ है वो सक्सेसफुली हो गई है, तो आप सभी की दुआ से पारस भाई की सर्जरी तो हो चुकी है, उसके मदर भी काफ़ी खुश थे
कि उनके बेटे की जो सर्जरी है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर अब देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी फारस भाई के फैन फॉलोइंग एंड उसके सपोर्टर है, तो आपकी जितनी भी डाउट थे ना, तो अभी वो क्लियर हो चुके होंगे कि फारस भाई की हेल्थ कंडीशन अब कैसी है, घर वापस आ गया, हॉस्पिटल में है, ऑपरेशन हो गया। तो सारे के सारे मैंने आपके साथ जो न्यू अपडेट थे ना वो शेयर कर दिए, एंड बाकी भी जैसे न्यू अपडेट निकल के आती है तो मैं फटाफट आपके साथ वीडियो शेयर करता जाऊँगा, ठीक है। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करके रख देना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे ना तो मैं जैसे वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल जाएगा। तो बाकी यहाँ पर देखे, अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो सीसीटीवी के जो फुटेज थे ना, तो वह अभी यहाँ पे देखे 100% कन्फर्म नहीं है। सुपर कालसा ने भाई बताया कि मतलब जो सीसीटीवी फुटेज है ना वो भी हमको मिल चुके हैं, तो वो भी जैसे आएंगे मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। मतलब बाकी आप मतलब समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाहते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, तो यार मिलते हैं किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो में।